अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार्ट ही यहाँ से करूँगा, एक सवाल से और एक सिचुएशन से। अमेरिका में सेंट्रल पार्क है, आप इमेजिन करें आज से महीने या दो महीने बाद अमेरिका में सेंट्रल पार्क है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं। उस सेंट्रल पार्क में अचानक 10, 15 या 20 यूथ ओरिएंटेड लोग एकदम से एजिटेटर स्टार्ट कर देते हैं। ऑन 13th जुलाई का जो मैसेकर कश्मीर में हुआ था, यहाँ पे कश्मीर पे क्या हो रहा है, एजिटेटर ट्रिगर करेगा इमेजिनेशन। आप इमेजिन करें कि सेंट्रल पार्क में जब ये थिएटर परफॉर्मेंस हो रही होगी तो इमेज क्या जाएगा, और उसी एक छोटे एक्ट से आप पूरी दुनिया को इन्फॉर्म कर देंगे। और क्या पता अगर वो थिएटर परफॉर्मेंस, वो एजिट थिएटर परफॉर्मेंस ब्रिटनी स्पीयर्स ने देख ली, जो एक बहुत बड़ी स्टार हैं, और अपने ट्विटर अकाउंट पर जाके वो कहती हैं आई सपोर्ट कश्मीर बिकॉज मैंने आज उसकी वीडियो बनाई और मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उनके एक एक्ट से पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी और नए नए फॉर्म्स आएंगे। हिस्ट्री ने हमें बताया है कि पैलेस्टाइन मूवमेंट की एक खास बात है, उसका एक स्कार जो यासिर अरफात ने फेमस किया। क्या ये हो सकता है कि कश्मीरी स्कार एक लोगों के साथ रेजिस्टेंस स्कूल हम पूरी दुनिया में फेमस करते हैं कि अमेरिकन ब्रिटिश हर लड़का लड़की वो पहन रहे, रेजिस्टेंस स्कूल ये कश्मीरी स्कार है। और जब हमें पता है कि दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन है और उस 7 बिलियन में से मेजॉरिटी 60% लोग आर यूथ, और यूथ को चाहिए होती है कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड एनीथिंग विच ट्रिगर्स देयर इमेजिनेशन, तो आप यहां पर देखें कि हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं। 2005 में ऑस्कर में इंडिया की फिल्म जीती गांधी पर, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब दुनिया का जो मैस मीडिया था वाज एक्सपोज टू गांधी। उस एक फिल्म ने पूरा इमेज चेंज कर दिया। इमेजिन करें आज से 2 साल बाद कांस फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर पे एक फिल्म लगी हो और वो फिल्म उनका मेन स्ट्रीम अवार्ड जीत जाए, और अगर कांस में आपकी फिल्म जीत जाती है तो मतलब पूरी दुनिया आपकी फिल्म को फॉलो करती है, आपको सेंसिटाइज होके देखती है। फिल्म की इतनी ताकत है कि ईरान जैसी कंट्री जिसको अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करता अपना फिल्म फेस्टिवल नहीं करा सकता जब तक ईरान की फिल्म की सबमिशन ना हो और जब तक ईरानी फिल्म डायरेक्टर उसको अटेंड ना करे। तो ये ताकत है आर्ट की। ची गवीरा की टॉपी रेड हर रॉक स्टार आजकल का हर यूथ पहनता है टू लुक कूल, उसने सिर्फ वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस पहना था लेकिन वो एक स्टाइल बन गया। अब सवाल ये है कि हमने कश्मीर मूवमेंट को कूल किस तरह बनाना है, हमने कश्मीर मूवमेंट को कंटेम्प्रेरी किस तरह बनाना है, और कश्मीर मूवमेंट को यूनिवर्सल किस तरह बनाना है, और उसके पास हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स हैं आर्ट के। पर आर्ट एक ऐसी चीज़ है विच कैन ट्रांसेंड टू बाउंड्रीज। और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि रीसेंट एग्जाम्पल ये बुरहान वानी ने भी ट्राई किया था जो काफ़ी हमने नोटिस नहीं किया। कश्मीर का यूथ बुरहान वानी को सिर्फ एज अ रेजिस्टेंस लीडर नहीं देखता बल्कि पॉप आइकन देखता है, क्योंकि बुरहान वानी की मिलिट्री सूट्स में कूल किस्म की पिक्चर्स होती थी, 20-30 लड़के साथ बैठे हुए हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ गन्स भी पकड़ी हुई हैं। पूरा कश्मीर का यूथ ट्रिगर हो गया और वही इमेजेस आगे पीछे भी फैले। तो आप बुरहान वानी को इंडिया ने जितना मर्जी ट्राई कर दे टेरर शो करने के लिए, फिर भी मुझे कॉल्स आती हैं भारत से यार के यार आई थिंक बुरहान वानी स्कूल, बेशक जैसा भी था वो कूल था, यानी भारत का मीडिया या यूथ जिनको मैं जानता हूँ वो खुद ये कह रहे हैं। तो हमारी अप्रोच, हमारी सोल्यूशन ये होनी चाहिए आर्ट को इस्तेमाल करें टू ट्रिगर इमेजिनेशन, दुनिया के मेन स्ट्रीम यूथ को टारगेट करें थ्रू फिल्म्स, शॉर्ट एजिट थिएटर परफॉर्मेंस आर्ट एंड कल्चरल सिंबल्स।
एक दफा जब उनको पता चल गया कि दिस रेजिस्टेंस इज कूल, तो फिर जब एक दफा यूथ के अंदर बात चल गई दुनिया के, अगर 60% यूथ कश्मीर को एक कूल किस्म के रेजिस्टेंस मूवमेंट माने लग गया, तो वही यूथ ने आगे एडल्ट बनना है, उसी यूथ ने डिप्लोमेट बनना है, उसी यूथ ने आगे जाके कोई हुकूमत चलानी है, तो वहां से पूरी गेम चेंज हो जाएगी। थैंक यू।